हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ काफी बढ़िया होंगे। तो देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर एक HP का स्पीकर जिसको मैं आज 4 साल बाद ऑन करने की कोशिश कर रहा था, और इसको मैंने चार्जिंग पे लगाने की कोशिश भी करी लेकिन इसके अंदर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, ये बिल्कुल डेड हो चुका है। तो इसके अंदर ये क्या प्रॉब्लम आ रही है, आज मैं इसको ही सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। और बता दूं कि एक काफी दुख वाली बात है कि मेरी एक PlayStation 2 की वीडियो काफी टाइम पहले आई थी, वो आज YouTube ने बिल्कुल डिलीट कर दी है अपने सोर्स से। लेकिन ये काफी बुरा लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे भी वीडियोस बनाता रहूंगा और काफी बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। तो चलिए अभी इस स्पीकर को रिपेयर करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो दोस्तों बता दूं कि अगर चैनल पर कहीं से नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना, अगर वीडियो में कुछ ही पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलना। दोस्तों सबसे पहले इसका मॉडल नंबर है S6500 जो कि काफी पुराना हो चुका है, मेरे पास लगभग 4 साल हो चुके थे इसको रखे रखे। तो अब यहाँ पर मैं इसको ऑन करने की कोशिश करता हूँ लेकिन ये ऑन नहीं होता। यहाँ पर 2 लाइटें ब्लिंक होती है, ब्लूटूथ की और चार्जिंग की, जो कि बिल्कुल भी यहाँ पर ब्लिंक नहीं हो रही है। तो काफ़ी टाइम से बंद होगा, इस चक्कर में इसकी कुछ ना कुछ दिक्कत आई होगी इसके अंदर। तो अभी वो हम चेक करेंगे क्या इसके अंदर प्रॉब्लम आई है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये रिंग दिख रहा होगा, तो सबसे पहले हमें इसको हटाना होगा, क्योंकि इसको हटाने के बाद इसके नीचे होंगे 4 स्क्रू जिनको हमें ओपन करना है, उसके बाद ही हम इसको डिसेंबल कर सकते हैं। तो चलिए मैं चारों यहाँ पर स्क्रू को ओपन कर लेता हूँ स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो यहाँ पर मैंने चारों स्क्रू यहाँ पर ओपन कर लिए हैं। अब यहाँ पर इसको खोलने का तरीका थोड़ा सा अलग है, आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा आराम से खोलना, क्योंकि इसके अंदर कुछ जैक्स होते हैं वो वहाँ पर टूट सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपको इसको झटका नहीं देना है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से झटका दोगे तो ये पूरा का पूरा अंदर से टूट जाएगा, तो कुछ इस तरीके से खुलेगा और यहाँ पर आपको एक जैक दिखेगा जिसका ओपनर अंदर की तरफ है, जिसको आपको ऊपर की तरफ करना होगा जिससे कि इजीली ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ और ये देख सकते हैं ये निकल चुका है। तो अभी भी ये पूरी तरीके से नहीं खुलेगा लेकिन हमारा काम चल जाएगा इतने में। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है कि बैटरी का कनेक्टर कौन सा है। तो ये रही इसकी बैटरी, और बैटरी का कनेक्टर जा रहा है ये वाला, तो नीचे की तरफ है बैटरी का कनेक्टर और ये मदरबोर्ड के साथ में लगा हुआ है, देख सकते हैं। तो इसी को हमें निकालना होगा सबसे पहले, तो इसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसकी सबसे पहले वोल्टेज चेक करूँगा, कहीं इसकी वोल्टेज डाउन होने की वजह से तो कुछ दिक्कत नहीं आ रही है इसके अंदर, कहीं स्पीकर हम पूरा खोल दें और बाद में पता चले कि बैटरी डाउन थी। तो सबसे पहले मैं वोल्टेज ही चेक करता हूँ। तो यहाँ पर वोल्टेज तो ठीक है, लेकिन क्या होता है कई बार दिक्कत देता है, वोल्टेज पूरी होने के बाद भी वो बूस्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर मैं इसको बूस्ट करने की कोशिश करूँगा अपने बूस्टर से, अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ वो कौन सा बूस्टर है। लेकिन आपने उस बूस्टर को प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ है जो कि ये वाला बूस्टर है, तो इसी से मैं इसको शॉर्ट करूँगा ताकि इसकी बैटरी वापस से उठ सके। तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ी देर शॉर्ट करूँगा ताकि ये बूस्ट हो सके अच्छे तरीके से। तो ये अच्छे तरीके से हो चुकी होगी बूस्ट लगभग, तो अब यहां पर मैं इसको वापस से लगा देता हूं। और इसको वापस से ऐसे ही जैक को एग्जैक्टली लगा दिया मैंने। अब यहां पे इसको चलिए पैक करते हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको चेक करूंगा कि ये यहां पर हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि साउंड तो आई है, तो यहाँ पे ब्लूटूथ का सिग्नल भी आ चुका है, तो हमारा डिवाइस ऑन हो चुका है, बैटरी की दिक्कत थी इसके अंदर। तो चलिए यहाँ पर अभी मैं इसको पावर ऑफ करता हूँ और सबसे पहले इसको पैक करते हैं। तो ये रिंग वापस लगा देना है ताकि अच्छा लगे, ये ना लगे कि ये बार बार खुला था। तो देख सकते हैं, तो चलिए सारा काम खत्म हो चुका है। अभी यहाँ पर सबसे पहले चार्जिंग पोर्ट लगाते हैं जो कि काफ़ी पुराना है, माइक्रो USB जो कि पुराने फ़ोन्स में यूज़ होता था, लेकिन मेरे पास है ही चार्जर। तो इसमें यहाँ पर देखते हैं कि चार्जिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वाइट कलर की लाइट ब्लिंक हो रही है यहाँ पर, तो ये चार्जिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है होना। तो चलिए अभी इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पर हम इसकी साउंड चेक करेंगे कि यहाँ पर साउंड काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो सबसे पहले अभी इसको मैं पावर ऑन करता हूँ, तो देख सकते हैं आवाज़ तो आ गई यहाँ पर। तो चलिए अब इसको हमें फ़ोन से कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैंने ब्लूटूथ ऑन कर लिया और यहाँ पर आ चुका है HP लिखा हुआ, तो चलिए इससे पेयर करते हैं इसको। तो यहाँ पर पेयर हो चुका है हमारा फ़ोन यहाँ पे स्पीकर से। तो चलिए अब मैं यहाँ पर कोई भी म्यूज़िक प्ले कर देता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि कोई कॉपीराइट ना आए,
क्योंकि काफ़ी दिक्कत होती है फिर कॉपीराइट आ जाता है तो किसी ना किसी वीडियो पे। तो यहाँ पर आप साउंड चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर म्यूज़िक यहाँ पर प्ले हो चुका है और ये हमारे स्पीकर में आ रहा है और ये फिर मैंने एक और चला दिया म्यूज़िक, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है स्पीकर के अंदर, प्रॉपरली स्पीकर यहाँ पर वर्क कर रहा है अच्छे तरीके से। तो कुछ इस तरीके से मैंने आपको ये रिपेयर करके दिखा दिया है, तो देख ही सकते हैं आप यहाँ पर। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने किस तरीके से इस HP के स्पीकर को रिपेयर करा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए बस इतना ही, गुड बाय दोस्तों।